मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। प्रकृति में ना जाने कितने ही जड़ी बूटी मानव जीवन का उद्धार करने के लिए समाविष्ट हैं, उनमें से एक है गेहूं के ज्वारे, वीट ग्रास। गेहूं के ज्वारे में क्लोरोफिल, विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, आयरन आदि तत्व तो अच्छी मात्रा में निहित है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्थिवम है। इसे पोषक तत्वों का घर माना जाता है, जो विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त करने और कैंसर से लड़ने के लिए जाना जाता है। पहली बार गेहूं के ज्वारे के स्वास्थ्य लाभ तब प्रकाश में आए जब पश्चिमी दुनिया के लोगों ने 1930 के दशक में इसका सेवन किया। कृषि रसायनज्ञ चार्ल्स एफ सनावेल द्वारा इस जड़ी बूटी के उपयोग पर कई प्रयोग किए गए। गेहूं के ज्वारे को आमतौर पर गेहूं के पौधे के बढ़ने और भूरे रंग में बदलने से पहले काटा जाता है। गेहूं के ज्वारे मुहासों को ठीक करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुणों के कारण गेहूं के ज्वारे का पाउडर घाव, कीड़े के काटने, त्वचा के चकत्ते और खरोच के लिए अच्छा उपाय है। गेहूं के ज्वारे के पाउडर में पाए जाने वाले क्लोरोफिल का अधिक स्तर आपके शरीर हीमोग्लोबिन का उत्पादन करता है, इसलिए यह एनीमिया को भी ठीक करने में मदद करता है। गेहूं के ज्वारे डायबिटीज़ के प्राथमिक चरण या उन्नत चरण को नियमित कर सकता है। शराब पीने के बाद होने वाले हैंगओवर का भी गेहूं के ज्वारे से इलाज किया जा सकता है। एक अध्ययन से पता चलता है कि अवसाद से पीड़ित लोगों के लिए गेहूं के ज्वारे का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें बायोफ्लोनाइड्स होते हैं, जिसे एपिगेनिन कहा जाता है, जो कैंसर की कोशिका के विकास को रोकता है। गेहूं का पाउडर नियमित रूप से खाने पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। गेहूं के ज्वारे का आप किसी भी समय सेवन कर सकते हैं, हालांकि अधिकतर लोग इसे सुबह के समय कहते हैं। आप खाना खाने से पहले भी इसका सेवन कर सकते हैं, इससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान होंगे और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। गेहूं के ज्वारे पाउडर, रस और कैप्सूल के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा इसके स्वास्थ्य लाभों को उठाने का सबसे अच्छा तरीका आप घर पर गेहूं का उत्पादन करके उसका सेवन करें। गेहूं के ज्वारे का रस को पीने के अलावा आप अपनी पसंदीदा हरी सब्जी के साथ उसे मिलाकर जूस बना सकते हैं। आप गेहूं के ज्वारे के रस को सलाद, चाय या अन्य पेय पदार्थों में भी मिला सकते हैं। गेहूं के ज्वारे की तासीर ठंडी होती है, इसका उपयोग गर्मियों में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह शरीर में ठंडक पहुंचाता है, परंतु इसका नियमित रूप से ही सेवन करें। इसका अधिक सेवन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यूवी किरणों के अधिक संपर्क में आने से आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और यह सनबर्न का कारण बन सकता है। सनबर्न न केवल दर्दनाक होता है, बल्कि इनका लंबे समय तक रहना कैंसर का कारण भी बन सकता है। सनबर्न को ठीक करने के लिए ये तरीका आजमाएं। गेहूं के ज्वारे का पाउडर और पानी के साथ में मिलाएं। प्रभावित क्षेत्र पर इस मिश्रण को लगाएं। लगाने के बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए चेहरे पर रहने दें और फिर मुंह को धो लें। सनबर्न से राहत पाने के लिए सप्ताह में 2 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। शरीर में चोट और संक्रमण की रक्षा करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा सूजन का एक सामान्य प्रतिक्रिया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि हृदय रोग सूजन और ऑटो इम्यून विकार जैसी स्थितियों में होती है। कुछ रिसर्च से पता चला है कि गेहूं के ज्वारे और इसमें शामिल घटक सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। एक अध्ययन द्वारा 23 लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी बड़ी आंत में सूजन जैसी समस्या में गेहूं के ज्वारे का जूस पीने का अच्छा प्रभाव देखा गया है। गेहूं के ज्वारे साइनस के लिए भी प्रभावशाली हो सकते हैं क्योंकि यह प्रतिरक्षा को सुधारता है और सूजन को कम करने में मदद करता है। कुछ लोग साइनस के इलाज के लिए गेहूं के ज्वारे का रस नाक में डालते हैं ताकि यह टॉक्सिन्स को खींचकर श्लेष्म को तोड़कर साइनस को साफ कर सके। पर आप गेहूं के ज्वारे का जूस भी पी सकते हैं और साइनस से राहत पा सकते हैं। शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त कराना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अन्यथा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। गेहूं के ज्वारे का पाउडर के रूप में सेवन किया जा सकता है। इसमें अधिक मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया को अंजाम देने में सहायक होता है। यह न केवल रक्त
में उपस्थित विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाता है, बल्कि शरीर की हर एक कोशिका में ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी बढ़ाता है। गेहूं के ज्वारे कई विटामिन और खनिजों का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एमिनो एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें 17 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 8 हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। आपका शरीर इन 8 एमिनो एसिड को खुद उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें खाद्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। गेहूं में भी क्लोरोफिल होता है, जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, इसलिए गेहूं के ज्वारे को बेहद ही पौष्टिक माना जाता है। इसलिए अस्वस्थ जंक फूड को चबाना छोड़ें और इसकी बजाय गेहूं के ज्वारे का सेवन कर अपने समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाएं। कई अनुसंधानों में यह पाया गया है कि गेहूं के ज्वारे के रस में अधिक मात्रा में फाइबर होने की वजह से यह वजन घटाने में सहायक बन सकता है। यह शरीर को जंक फूड द्वारा बढ़ाए गए अधिकतम वसा को घटाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आप अधिक कसरत कर पाएंगे और वजन कम करने में सहायक होगी। जो जल्दी से इसे अपनी आहार योजना में शामिल करें और स्वस्थ वजन का लाभ उठाएं। इसके अलावा यह पाउडर आपके थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करके वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। गेहूं के ज्वारे का पाउडर जूस में मिलाकर पिया जा सकता है, जो स्वादिष्ट भी है और अनेक स्वास्थ्य लाभों से भी भरपूर है। गेहूं में एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो मुंह के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। गेहूं के ज्वारे के रस से कुल्ला करने से मुंह, दांत और मसूड़ों में उपस्थित सारे कीटाणुओं का नाश हो जाता है और आपको बहुत ही तरोताज़ा महसूस होता है। गेहूं के ज्वारे में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि 2007 में जनरल सल ब्रासिलिया डी ओंटोलिया द्वारा एक अध्ययन के मुताबिक एंटी माइक्रोबियल गुणों का एक स्रोत है। यदि आप मुंह की बदबू से लज्जित हैं, तो 4 से 5 गेहूं के ज्वारे को मुंह में रखकर चबाएं और दिन में 2 बार अवश्य ब्रश करें। इससे आपकी इस समस्या का समाधान केवल 5 दिनों में ही हो जाएगा। गेहूं के ज्वारे के पाउडर से मालिश करने से मसूड़ों से होने वाले खून बंद हो जाते हैं। यह कैंडिडा अल्विकन्स को भी ठीक करने में मदद करता है। यह फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जो कब्ज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गेहूं के ज्वारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को उत्तेजित कर मल त्याग क्रिया को आसान बना देता है। यह मल त्याग क्रिया को विनियमित कर कब्ज पर रोक लगाते हैं और रेक्टल ब्लीडिंग से भी बचाते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार गेहूं के ज्वारे के पाउडर में कुछ एल्केलाइन खनिज होते हैं, जो अल्सर, कब्ज और दस्त से राहत देने में मदद करते हैं। गेहूं के ज्वारे में मैग्नीशियम की अधिक मात्रा भी कब्ज को ठीक करती है। गेहूं के ज्वारे के सेवन से शरीर को स्वच्छ एवं विषाक्त पदार्थों से दूर रखा जा सकता है। इसका जूस पीने से सारा कफादी मल शरीर से निकल जाता है और उबकाई बहुत हद तक कम हो जाती है। बुढ़ापा एक ऐसा दौर है जिसे आने से कोई भी नहीं रोक सकता और लोगों को इसे समय के बदलाव का नाम देकर अपनाना ही पड़ता है, परंतु वह स्थिति बहुत ही दुखदायक होती है जब समय से पहले बुढ़ापा दरवाजे पर दस्तक दे देता है। परंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी इस समस्या का हल गेहूं के ज्वारे के पास है। गेहूं के ज्वारे क्लोरोफिल से निहित होता है, जो शरीर को ढंग से कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है और बुढ़ापे को जन्म देने वाले पदार्थों की रफ्तार को धीमा कर देता है। यह रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है और रक्तचाप को नियंत्रित कर रक्त के स्तर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गेहूं के ज्वारे में शामिल क्लोरोफिल अधिक रक्तचाप और धमनियों को सख्त रखने के उपचार में मदद करता है। इसमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है, इसके साथ ही यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों को भी साफ करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त यह रक्त को शुद्ध करता है, जिससे रक्तचाप को कम करने में सहायता मिलती है। यह शरीर में हृदय रोग के होने की संभावना को भी कम करता है। गेहूं के ज्वारे स्वाभाविक रूप से क्षारीय होते हैं, जो पेट में समस्या उत्पन्न कर रही एसिडिटी को विफल कर आपकी परेशानी का समाधान करते हैं। यह शरीर में पीएच के स्तर को संतुलित कर समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाता है। गेहूं के ज्वारे का जूस पीने से एसिडिटी की समस्या ठीक हो जाती है। यह दस्त जैसी परेशानियों को भी ठीक करने में मदद करता है। गेहूं के ज्वारे के कुछ नुकसान भी हैं। गेहूं के ज्वारे का अधिक सेवन करने से आपको सिरदर्द व उल्टी की शिकायत हो सकती है। इसका सेवन शुरुआत में थोड़ी मात्रा में करें, क्योंकि अधिक यदि आपका शरीर इसे ढंग से नहीं पचा सका तो आपको डायरिया हो सकती है और धीरे धीरे आप इसकी खुराक को बढ़ा सकते हैं। यह संभव है कि आपको इससे एलर्जी हो। इसके एलर्जिक होने के आम लक्षण हैं सूजा हुआ मुँह या फिर गला। लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। धन्यवाद।